नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ विजन टीवी में। मैं हूं आपके साथ नेहा। मोबाइल से हाथियों की फोटो लेने का प्रयास गरियाबंद जिले के एक युवक को महंगा पड़ा। हाथी ने युवक को सुर से उठाकर ऐसा पटका कि उसकी जान चली गई। घटना सोभा क्षेत्र के ढोलसराई गांव के युवक अशोक मरकाम के साथ हुई। गरियाबंद जिले के सोभा इलाके में पहली बार हाथियों का दल पहुंचा था, जिसे देखने गांव के लोग उमड़ रहे थे। वन विभाग ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की, मगर कई ग्रामीण नहीं माने और हाथियों की मोबाइल से वीडियो और फोटो बनाने लगे। इस दौरान कुछ युवक हाथियों के इतने करीब पहुंच गए कि हाथी नाराज हो गए। हाथियों ने इन्हें दौड़ाया, बाकी युवक भाग गए, मगर अशोक मरकाम गिर गया, जिसे एक हाथी ने सुर से पकड़कर पटक। घटना स्थल पर ही युवक अधमरा हो गया और किसी तरह हाथियों के कुछ दूर जाने के बाद बाकी लोग युवक को वहां से दूर लेकर पहुंचे, जहां युवक की स्थिति लोग समझ नहीं पाए और तत्काल जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम उन्हें अपने साथ लेकर मैनपुर चिकित्सालय पहुंचे, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। हम आपको बता दें कि पूर्व में भी गरियाबंद जिले के कस गांव में भी एक युवक हाथियों के साथ सेल्फी लेने के दौरान हाथियों के गुस्से का शिकार हो चुका है। उसे भी हाथी कुचल कर मार चुके हैं। मैम, लोग जो है हाथियों को देखने के लिए जंगल में गए हुए थे, उसी दरमियान जो है ढोलसराई का अशोक मरकाम जी भी गया हुआ था, तो एक 17 हाथियों का दल है, उसमें से एक हाथी पलट करके अशोक को जो है वहीं पे पटक दिया। मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने यहाँ पे मृत घोषित किया है। उदंती सीधानी टाइगर रिजर्व में लगभग 15 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ये आज सुबह की घटना है। कुछ ग्रामीण हाथी के निकट जाने की कोशिश कर रहे थे। वन अमले ने पूरी कोशिश की ग्रामीणों को दूर करने की, परंतु एक शख्स लगभग 23 वर्ष का हाथी के ज़्यादा निकट चला गया और उस दौरान हाथी ने उस व्यक्ति पर हमला किया। वहां जांच उपरांत पाया गया कि वो मर चुका है और इस संबंध में वन अमले द्वारा कंपनसेशन अमाउंट जो इमीडिएटली दिया जाता है 25,000 रुपीज़, उनके परिवार को सहायता राशि दी जाएगी। तत्पश्चात 6,00,000 रुपये जो कंपनसेशन देने का प्रावधान है उसको विधिवत पूरा किया जाएगा। मैनपुर क्षेत्र के ढोलसराई गांव का एक युवक जंगली हाथियों के झुंड को देखने गया हुआ था। इसी बीच हाथी ने उसको दौड़ाया और वो भाग ना पाया, उस स्थिति में उसको पटक दिया। बाद में उसको घायल अवस्था में मैनपुर चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।